अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हसनान और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोलर एग्रेड। दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं अभी हम पाइपों पर काम चल रहा है। ये 3x3 के पाइप हैंगे, ठीक है, 16 गेज में, और ये वाले भी 3x3 के, और ये 1.5x1.5 का पाइप हैगा, ठीक है। अभी काम चल रहा है, कलर चल रहा है इनके ऊपर, और ये हम लगा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं अभी हमने यहाँ पर जो है ना सुराख कर दिए, रावर बोल्ट से प्लेट अंदर फिट कर दिए, सही है। और अभी भाई जो है ना काम भी कर रहे हैं, देखिए आप हमारे यूनिस भाई जो हमारी वेल्डिंग का काम करते हैं वो इस टाइम देखिए आप काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए प्लेट बिठा रहे हैं, थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी परेशानी हो गई यहाँ पे, पाइप आ गया इनका पानी का, तो इसलिए थोड़ी सी आउट लगाना पड़ रही है यहाँ पे ना। जैसे देखें आप ये काम चल रहा है इस टाइम, ये छत है इनकी पूरी, ठीक है। ये देखें ये पूरी छत है इनकी, यहाँ से देख सकते हैं, ये देखें ये छत है इनकी। ये एसी वगैरह भी चलेंगे इनके, 4KV या 5KV का इंशाल्लाह जो मिल जाए यूपीएस, क्योंकि अभी मिल नहीं रहा यूपीएस। यूपीएस जैसे मिलता है इंशाल्लाह जो है ना फिर इनका यूपीएस भी लगाएंगे हम। अभी हम पैनल लगा रहे हैं, फ्रेम बना रहे हैं, 6-9 पैनल का फ्रेम है ये, और इस टाइम जो अभी हम तैयार कर रहे हैं 9 पैनल का है, और इस पर 6 पैनल लगे हैं, बाकी ये बाद में लगाएंगे फिर कभी। अभी इनका जो 12 वोल्ट का निजाम चल रहा है वो लगा रहा है, वो जो MPPT के साथ इनका लगा हुआ फोर्स वालों का। तो ये जब तैयार होगा इंशाल्लाह पाँव खड़े करेंगे। एक एक आपको जैसे मैंने दिखाया 3 पाँव लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक पाँव ये रहा, एक पाँव ये रहा, ठीक है, ये रहा एक पाँव, और एक पाँव ये रहा, देख सकते हैं आप, ठीक है, ये रहा एक पाँव। सब रबर बोल्ट से अंदर प्लेट बिठा दिया, अब इसके पाँव हमारा जो है ना पाँव फिट हो जाएगा। ये जो 3 इंची का पाँव आप देख रहे हैं वहाँ पर कलर हुआ रखा हुआ है, ये सब फिट हो जाएगा इसके अंदर। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पर पूरा जैसे सामने बना हुआ ना ऐसे करके यहाँ पे 9 पैनल का फ्रेम बनेगा। यहाँ देख सकते हैं कोरी छत पड़ी हुई पूरी है। तो देखें आप ये हमने 8 फिट का तार पाइप इस्तेमाल किया है इसमें, यानी कि ये जो जहाँ पे ढलान बनेगी ना वहाँ पे 8 फिट का है, और जो हमारे वो वाले पोल हैं वो 12 फिट के, यानी पीछे से 12 फिट है और यहाँ से 8 फिट है, तकरीबन 4 फिट का ढलान आ रही है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से VIP जो है ना ये फ्रेम बन रहे हैं, 3 पोल लग गए और बाकी पोल लग रहे हैं, भराई हो चुकी है, देखें ये देखिए भराई हो चुकी है। इन पे हम माल भर के इंशाल्लाह जो है ना इसको मजबूत कर देंगे। ये देखें बाकी काम चल रहा है, अभी वो 3 पाँव लग गए, ये 3 और लग रहे हैं इंशाल्लाह। और बाकी देख सकते हैं आप कलर हमने कर दिया है जिस पे पैनल लगने हैं, और माशाल्लाह से ये फ्रेम हमारा रेडी हो चुका है। अभी थोड़ा सा काम रह गया, अभी सेंटर के पाइप मार रहे हैं अभी इसके अंदर, इन्होंने थोड़ा सा काम बढ़वाया ना हमारा, तो मतलब वो कर रहे हैं हम इस टाइम फाइनल ना, फाइनल हो चुका है हमारा। 6 पैनल लग गए, 3 ये लग गए 3 ये लग गए। 20 से जो है ना 2.25 फिट का गैप भी छोड़ दिया हमने, देख सकते हैं आप यहाँ से पैनल धोने के लिए यहाँ से छोड़ा। असल में ये एयरपोर्ट का एरिया है तो यहाँ हवा का बहुत ज़्यादा दबाव है, तो पैनल आप देख सकते हैं हमने जो है ना ड्रिल करके जो है ना इसमें सुराख करके इसको बनाया है, सही है। और ये देखें 3x1.5x3 का ये पे गार्डर इस्तेमाल करा है, ठीक है, और बाकी जो 1.5x1.5 की ये पट्टी इस्तेमाल करी, ठीक है। पोल भी 3x3 का इस्तेमाल करा हमने 16 गेज में, ये सब 16 गेज में जितना भी चीज़ माल मटेरियल लगा हुआ है इसमें सारा का सारा 16 गेज में। वो वेल्डर भाई हमारे काम कर रहे हैं, अभी क्रॉस मार रहे हैं, इंशाल्लाह जैसे फाइनल होता है फिर आपको फाइनल की भी वीडियो बना के देते हैं। ये आज फाइनल हो जाएगा हमारा काम इंशाल्लाह। और इनके ये 150 वाले पैनल हैं वो ऊपर रखे हुए, वो भी यहाँ पर फिट करने हैं, और बाकी जो पैनल है क्योंकि यहाँ के 3 पैनल ये बाद में लगवाएंगे, तो अभी छोटे वाले पैनल अपने यहाँ लगवा रहे हैं। देखिए देख रहे हैं दोस्तों आपके, ये देखें हवाई जहाज़ जा रहा है ना असल में, तो ये सारी चीज़ें देख कर, क्योंकि इनके घर के करीब है बिल्कुल एयरपोर्ट, तो इसने तमाम चीज़ों को देख के ना हमने बहुत मजबूत बहुत पायदारी दी है, और इसमें आज जो है ना और इसमें एडिटिंग कर रहे हैं लोहे की ताकि और मजबूत हो जाए। देखिए दोस्तों अभी हमारा काम बिल्कुल फाइनल हो रहा है। एंगल जो है ना देखें आप देखें क्रॉस में करके लगाएं, ताकि इससे क्या फ़ायदा होगा, जो झोल मारता है ना ऐसे ऐसे करके पैनल, तो वो पैनल जो है ना झोल नहीं मारेगा। देखें हमने ये सब जगह लगाएं क्रॉस ना, अभी आखिरी क्रॉस लग रहा है, देखें इस साइड पर भी देख सकते हैं आप, ये सारे क्रॉस लगा दिए हमने, ये देखें सारे क्रॉस लग गए, बीच सेंटर में भी नालियाँ लग गई सारी की सारी जो रह गई थी। तो ये सारा काम आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ सारे एंगल लग चुके हैं, ठीक है। ये देखें आप ऊपर से भी लुक देख सकते हैं आप, पैनलों का देखो 6 पैनल ये हैं, 3 पैनल ये हैं, और 3 पैनल हुए बीच में जो है ना 2 फिट का हमने गैप दिया, और 3 पैनल उस साइड, 9 पैनल का ये फ्रेम बनाया हमने। और मैं आपको ऐसे करके भी दिखा दूँ, ये देखें आप हमारे ये 9 पैनल है, 3 पैनल वो, 3 पैनल ये, 3 पैनल ये कुल टोटल पूरे 9 पैनल का फ्रेम बनाया है। 16 गेज में सारे पाइप इस्तेमाल हुए, 1.5 का पाइप इस्तेमाल हुआ है, 3 का पाइप इस्तेमाल हुआ है, और जो गोल पाइप है वो भी 3 का इस्तेमाल हुआ है जो हमने पाँव में इस्तेमाल करें। खूबसूरती देख सकते हैं आप कितनी प्यारी और कितना ज़बरदस्त बनाया पायदार। ये बिल्कुल फाइनल हो गया हमारा काम, आखिरी थोड़ा सा रह गया, वो भाई वेल्डर हमारे कर रहे हैं वहाँ पर यूनुस भाई,
और बहुत अच्छा काम करते हैं बहुत ही। आपने इस पैनल को लगाना है यहाँ पे, तो वो हमने जो है ना इसका लगा दिया, 13 का एंगल यहाँ पे बनाए, तो 13 की हाइट पे हमने इसको बनाया है यहाँ पे। यानी कि ये जो ढलान है, मतलब यहाँ से ये जो आप यहाँ के पाइप देख रहे हैं ये 8 फीट हैं और पीछे के 10.5 फीट का हाइट निकली है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ढलान आप देख रहे हैं पैनल की, सूरज की जब शुआइश पे पड़े तो अच्छे से अच्छा रिजल्ट इनको एंड तक, और अपने आले के ज़रिए इसका एंगल निकाल कर फिर इसको यहाँ पे तैयार किया है ताकि इनको एंड तक के धूप मिल सके। ये इनके पुराने पैनल हैं, अभी वो भी फिट कर रहे हैं इंशाल्लाह, और नए पैनल ये है, पुराने पैनल उधर, ये अभी कहने लगा दो, जब उनके पास पैसा आएंगे तो वो 3 पैनल उधर लगा देंगे। देखते हैं, तो हो सकते हैं काम हमारा फाइनल हो चुका है, और मैंने सोचा मैं दोस्तों को दिखा दूँ यहाँ पे और कितनी करीब से गुजरते हैं। ये देखें दोस्तों, जहाज़ गुजर रहा है यहाँ से, हेलीकॉप्टर जा रहा है, देखें ये हेलीकॉप्टर गुजर रहा है यहाँ से, जहाज़ भी गुजर रहा है, अभी तो हेलीकॉप्टर गुजर रहा है, तो अभी यहाँ से तो हेलीकॉप्टर खैर गुजर रहा है लेकिन यहाँ से सारे जहाज़ गुजरते हैं। देख सकते हैं आप कि हमने पैनल लगा दिया। जिस भाई को भी अगर हमारे से ये फ्रेम बनवाने हो या हमसे कोई ऐसा काम करवाना हो, ये अभी कलर बाकी, असल में वेल्डिंग का काम हुआ है ना, तो इसलिए ये हमने रेको साइड मारा है ताकि ये काम अभी बाकी, ये कलर अब इस पर दोबारा होगा, ठीक है। तो जिस भाई ने भी काम, क्योंकि देखें रेको साइड सारे पाइप एक्स्ट्रा बाद में लगे हैं, तो इन पर भी अभी कलर बाकी। जिस भाई ने भी हमसे काम कराना हो, ये काम आप देख सकते हैं, लोकेशन लुक देख सकते हैं कि सारी पैनल देखें एक जैसे बिल्कुल एक सीध में आए हुए, पूरे एक हमने प्रॉपर तरीके से काम किया है, जिस तरह से काम करना चाहिए। कोई बेतु कि आपको पैनल नज़र नहीं आएंगे, कोई ऐसा नज़र नहीं आएंगे कि कोई पैनल आगे कोई पीछे, कोई चीज़ ऐसे ही नज़र नहीं आएगी। काम हम एक्यूरेट करते हैं, एक ग्रेड हमारा चैनल है और काम भी हमारा एक ग्रेड है। तो उम्मीद है दोस्तों, जिस भाई को भी अगर ऐसा फ्रेम बनवाना हो तो हम स्क्रीन के दिए हुए नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मोहम्मद अरसलान मेरा नाम है, ठीक है, और जिस भाई को भी रब्ता करना हो वो व्हाट्सअप वाला नंबर है मेरा जो स्क्रीन पे आएगा, वो कॉन्टेक्ट नंबर भी वही है मेरा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसकी फाइनल होगी बिल्कुल, जब हम इस पर कनेक्शन करेंगे। इनका UPS अभी आया नहीं है, बैटरी नहीं आई, वो इंशाल्लाह इस हफ्ते में आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है इस टाइम पाबंदी है, तो इसलिए ना बैटरी तो मिल रही है लेकिन पैनल नहीं मिल रहे। तो उम्मीद है दोस्तों ये आप लोग को पसंद आई होगी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।